بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Welcome back to Video Link Online Class Grade 6 Subject Computer, Date 16th of August 2021. How are you all students? Hopefully you all are fine. So today we're going to start our topic, the computer system, reading page number 4. So open page number 4 and read out with me. हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक इंक इज अ स्पेशल इंक दैट कंटेन्स मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड. अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कैन स्कैन कैरेक्टर प्रिंटेड इन मैग्नेटिक इंक. दिस टेक्निक इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR. MICR इज यूज एक्सटेंसिवली इन बैंक्स बिकॉज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स आर डिफिकल्ट टू फॉर्ज. This makes them ideal for making and identifying checks. Magnetic ink characters जो होते हैं इन इस तरह की इंक होती है ये जिसके अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं. मैग्नेटिक पार्टिकल्स जैसे आयरन ऑक्साइड, ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स उस इंक के अंदर पीस कर मिलाए जाते हैं. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टर रीडर्स जो होते हैं, वो स्कैन कर लेते हैं उस मैग्नेट जो उसके अंदर होता है उससे लिखी हुई चीजों को. ये टेक्निक जो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन कहलाती है, यानी मैग्नेट से लिखे हुए को पहचानने की जो ये टेक्निक होती है इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन कहते हैं. MICR का ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो बैंक्स वगैरह में किया जाता है सिक्योरिटी के लिए. ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर है, क्योंकि इसको फॉर्ज करना यानी इसके इसको नुकसान पहुंचाना या इससे चोरी करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बैंक्स में ज्यादातर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये जो है इनकी आइडेंटिफाई करने के लिए चेक्स को, कि चेक जो है वो सही है, यूनिक है, असली है कि नहीं है, ये मालूम करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स बहुत काम आते. Checks usually have the check number, bank code and branch code printed in magnetic ink. This information is scanned by magnetic ink character reader and the checks are sorted city wise or branch wise, shows MICR characters on simple check. Checks जो होते हैं उनके ऊपर check number, bank code और branch code लिखा हुआ होता है magnetic ink से, जैसे कि आप यहाँ pictures में भी देख सकते हैं. तो आपके जो चेक्स होते हैं बैंक के, उसके ऊपर आपके चेक नंबर्स होते हैं, बैंक कोड होता है और ब्रांच कोड होता है जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है. ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्कैन होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर नामी मशीन के जरिए. और जो चेक्स होते हैं वो भी सिटी वाइज यानी शहर की या ब्रांच की जो है तरफ भेज दिए जाते हैं, फिर ये देखकर कि वो चेक किस तरह का है. इसके अलावा मैग्नेटिक इंक जो है वो इस तरह के QR कोड्स में भी होती है, जैसे कि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं बाहर से तो उनके ऊपर भी कई बार ये QR कोड जो है वो पाए जाते हैं और आपने इसको देखा होगा. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज अ डिवाइस टू इनपुट नॉर्मल प्रिंटेड ऑन द हैंड रिटन टेक्स्ट. दिस प्रोसेस फर्स्ट प्रोड्यूसेस अ डिजिटल इमेज ऑफ द टेक्स्ट. Character recognition software is then used to convert this image into character codes that can be understood, stored and processed by the computer. This technique is called optical character recognition. Optical character readers क्या होते हैं? ये एक इस तरह की मशीन होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पेन नुमा मशीन है, ये एक डिवाइस होती है जो कि क्या करते हैं कि नॉर्मल जो प्रिंटेड आपकी टेक्स्ट होता है उसको हैंड रिटन टेक्स्ट में चेंज कर देते हैं, जैसे आपके हाथ की लिखाई हो. ये सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाले पेन उस जो भी लिखावट है उसको डिजिटल इमेज बनाते हैं, यानी एक तस्वीरी जो है तस्वीर बनाते हैं उस टेक्स्ट के अपने जहन में. उसके बाद उस कैरेक्टर को यानी उस लिखावट को पहचानने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस तस्वीर को कैरेक्टर कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसको समझा जा सके, स्टोर किया जा सके और प्रोसेस किया जा सके. इस टेक्निक को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स कुछ इस तरह के पेन्स होते हैं. ऑप्टिकल मार्क रीडर. ऑप्टिकल मार्क रीडर इज अ डिवाइस कैपेबल ऑफ रीडिंग प्रिंटेड फॉर्म्स यूज फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम विद बॉक्सेज ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी फिल्ड विद द डार्क पेंसिल और इन. When a light beam is passed through such a form, the marked areas reflect less light than the unmarked ones. This way, the optical mark reader recognizes the boxes or circles that are filled.
ऑप्टिकल मार्क रीडर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटेड फॉर्म्स वगैरह के ऊपर। अगर आपने कभी इस तरह के एग्जाम्स देखे हों जो कि होते हैं गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं या इस तरह के जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर ये इस तरह आपको एक शीट मिलती है जिसके ऊपर आपको सिर्फ ये फिल करना होता है पेंसिल से या ब्लैक पेन से कलर करना होता है। तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर फॉर्म्स होते हैं। ये जैसे ही एक मशीन होती है उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एक लाइट बीम गुजरती है यानी रोशनी गुजरती है। वो रोशनी जहाँ जहाँ मार्क हुआ हुआ होगा यानी जहाँ जहाँ ये ब्लैक स्पॉट्स होंगे वो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देती है और जो जहाँ पे नहीं होंगे ये मार्क्स वहाँ पर तवज्जो ज्यादा नहीं देती। इस तरह से वो काउंट करती है कि कौन सा जवाब सही है और कौन सा जवाब सही नहीं है और कितने जवाब सही है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो इस तरह से ये मशीन काम करती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर की जो शीट्स होती है वो तक कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इस टेक्नोलॉजी को हम OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहते हैं। इट इज कॉमनली यूज फॉर चेकिंग आंसर शीट फॉर एग्जाम दैट हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये ज्यादातर इस तरह के एग्जाम्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें ज्यादातर MCQs होते हैं। कार्ड रीडर। कार्ड रीडर्स आर यूज फॉर रीडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कार्ड सेट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। कार्ड रीडर्स जो होते हैं, कार्ड रीडर्स एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि कार्ड्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड्स हों चाहे स्मार्ट कार्ड्स हों। जैसे अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आपके वाले जो है वो कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ उनके पास एक डिवाइस होती है जिसके अंदर वो कार्ड डालते हैं और फिर पेन मांगते हैं, तो वो जो है वो कार्ड रीडर मशीन है। तो ये कार्ड रीडर मशीन आप किसी भी मॉल में जाते हैं या कहीं किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं तो आपको आसानी से देखने को मिल सकती है। गिफ्ट कार्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं वो भी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स होते हैं यानी उनके अंदर भी मैग्नेटिक, ये जैसे आप यहाँ पे ब्लैक पट्टी देखते हैं या इस तरह के, ये सब मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल भी जो है वो कार्ड रीडर्स के जरिए किया जा सकता है पढ़ने के लिए। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स इन मैग्नेटिकली स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक स्ट्रिप। जो भी इंफॉर्मेशन नंबर या कोई भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से रिलेटेड होती है वो मैग्नेटिकली यानी मक्नातीसों के जरिए उसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर छुपी हुई होती है, स्टोर्ड होती है। व्हेन द कार्ड इज स्वाइप्ड टू अ मैग्नेटिक कार्ड रीडर इट रीड द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। जैसे ही वो कार्ड जो है मैग्नेटिक कार्ड रीडर के ऊपर स्वाइप किया जाता है यानी फेरा जाता है तो उसी वक्त वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेता है और दुरुस्त कर देता है अपने काम को। एक्सपोजर टू मैग्नेटिक फील्ड फिजिकल डैमेज एंड कॉन्टेक्ट विद सर्टेन लिक्विड कैन डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड। कह रहे हैं कि इन मैग्नेटिक फील्ड्स का यानी ये जो भी आपके मैग्नेट से लिखा हुआ होता है अगर इसको एक्सपोजर हो जाए यानी आग लग जाए या कुछ इस तरह की तबाही हो जाए उसके साथ फिजिकल डैमेज हो जाए, उस पर स्क्रैचेस आ जाए या फिर उस पर कोई पानी वानी गिर जाता है तो इसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है यानी वो कार्ड खराब भी हो सकते हैं। स्मार्ट कार्ड्स लुक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड बट कंटेन अ स्मॉल चिप्स इनसाइड ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इश्यूड बाय बैंक नाउ अडेज हैव बोथ द चिप एंड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। यानी स्मार्ट कार्ड्स क्या है, स्मार्ट कार्ड्स बिल्कुल वैसी मैग्नेटिक स्ट्रिप जैसे दिखते हैं, स्ट्राइप कार्ड जैसे ही दिखते हैं लेकिन इनके अंदर एक स्मॉल चिप लगी हुई होती है यानी सिम जैसे चिप लगी होती है, जैसे आजकल NIC के ऊपर भी लगी होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप की जगह। तो आजकल जो बैंक से हमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं उनके अंदर भी ये दोनों चीजें होती हैं, चिप भी होता है और मैग्नेटिक स्ट्राइप भी होते हैं। दिस स्टोर मोर डेटा देन मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। ये जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से थोड़ा ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। अ स्मार्ट कार्ड रीडर कैन रीड एंड राइट डेटा ऑन द कार्ड। एक स्मार्ट कार्ड रीडर मशीन जैसे कि नीचे आपको नजर आ रही है, इस तरह की जो मशीन्स हैं ये अच्छे से रीड भी कर सकती हैं कार्ड को और राइट भी कर सकती हैं कार्ड पर। पेट्रोल कंपनीज एंड डिपार्टमेंटल स्टोर यूज कंप्यूटर यूज स्मार्ट कार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर्स शॉपिंग हिस्ट्री। पेट्रोल कंपनीज हो या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो ये स्मार्ट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कस्टमर्स की शॉपिंग की हिस्ट्री का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रख सकें कि उन्होंने कब क्या खरीदा था। सैटेलाइट टेलीविजन कंपनीज आर यूज स्मार्ट कार्ड इन देयर रिसीवर्स टू स्टोर द कोड दैट इज यूज टू रिकॉर्ड सैटेलाइट सिग्नल्स एंड डिस्प्ले पिक्चर्स।
सैटेलाइट टेलीविजन की जो कंपनीज होती हैं वो भी स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो रिसीव कर सके और स्टोर कर सके कोड को, जो भी उनका कोड होता है उसको लेकर स्टोर कर सके। दैट इज यूज टू रिकॉर्ड सैटेलाइट सिग्नल्स, जो कि सैटेलाइट के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है और उसकी पिक्चर्स हमें दिखाता है। तो शोज स्मार्ट कार्ड रीडर, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये कुछ स्मार्ट कार्ड रीडर जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। इससे मैग्नेटिक कार्ड रीडर बोलते हैं, ये स्ट्राइप को रीड आउट करता है। ये स्मार्ट कार्ड रीडर है, ये चिप के जरिए रीड आउट करता है। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर्स। वी विल डिस्कस आउटपुट डिवाइसेस सच एज एलसीडी प्रोजेक्टर्स, बिल प्रिंटर्स और एंड प्लॉटर हियर। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमें कंप्यूटर के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल कर देते हैं यूजर को। तो हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर्स, बिल प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स वगैरह के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, यानी एलसीडी मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी प्रोजेक्टर शोज द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन अ लार्ज स्क्रीन। इट इज कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशंस ड्यूरिंग मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। एलसीडी प्रोजेक्टर्स जो होते हैं ये आपके कंप्यूटर के आउटपुट को एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर दिखाने में मदद करते हैं। ये ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस और मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये आपने हमारे स्कूल में भी देखा होगा, एलसीडी प्रोजेक्टर्स होते हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन होती है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर जो है वो आप कितना भी इसके जरिए जूम कर कर अपनी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो। सिनेमा जो हाउसेज होते हैं वहाँ पे भी एलसीडी प्रोजेक्टर्स जो है वो पाए जाते हैं। ब्राइल प्रिंटर और एम्बॉसर प्रोड्यूसर्स। ब्राइल प्रिंट्स आउट पैटर्न्स ऑफ रेज डॉट्स आर कंप्यूटर फाइल्स। इट वर्क विद सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट टेक्स्ट टू ब्राइल। ब्राइल प्रिंटर्स पुराने जमाने के प्रिंटर्स की तरह हैं। ये जो है इस तरह काम करते हैं। ब्राइल प्रिंटर भी कहते हैं इनको, एम्बॉसर प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ये इस तरह काम करते हैं कि ये जो भी लिखते हैं वो कुछ राइज डॉट्स यानी उठे हुए नुक्तों की सूरत में लिखते हैं कंप्यूटर फाइल्स को, ताकि उसके ऊपर जो है कंप्यूटर काम कर सके और जो सॉफ्टवेयर है वो आराम से ट्रांसलेट कर सके टेक्स्ट को ब्राइल को। सही, तो इसे ब्राइल प्रिंटर कहते हैं। ये उठे हुए नुक्तों के सूरत में लिखता है। प्लॉटर, अ प्लॉटर इज अ प्रिंटिंग डिवाइस दैट इज यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स एंड डायग्राम्स। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर जो है वो एक प्रिंटिंग डिवाइस होती है, यानी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये बहुत ही हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स, चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डायग्राम्स ये सब बनाने के काम आती है। प्लॉटर्स यूज इंटेंस इंक पेन और इंक जेट्स टू क्रिएट ग्राफिक्स ऑन पेपर और पॉलिस्टर फिल्म। प्लॉटर्स जो होते हैं वो एक खास किस्म की जो है वो इंक पेन का इस्तेमाल करते हैं, इंक जेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो ग्राफिक्स को जो है वो पेपर पे या पॉलिस्टर फिल्म्स के ऊपर जो है वो प्रिंट कर सके। दे आर कॉमनली यूज इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम फॉर प्रिंटिंग प्लान फॉर हाउसेस, कार पार्ट, मशीनरी, ईटीसी। कह रहे हैं कि ज्यादातर आम तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर से बनाए हुए डिजाइन को। कंप्यूटर से जो बनाए गए डिजाइन होते हैं, चाहे वो घर के डिजाइन हो, चाहे वो कार के हिस्सों के डिजाइन हो, मशीन के डिजाइन हो, कुछ भी डिजाइन हो, कंप्यूटर की मदद से ये उसके ऊपर आसानी से प्रिंट कर देते हैं। प्लॉटर्स आर फोर टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स की तकरीबन चार टाइप्स हैं, ड्रम प्लॉटर, माइक्रोग्राफिक प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर एंड फ्लैट बैक प्लॉटर। ये मेन जो है इसकी चार टाइप्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है प्लॉटर्स का, ताकि जो है वो ये सारी चीजें प्रिंट की जा सके। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक रीड आउट करना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझना है। उसके बाद आपने पेज नंबर 12-13 पे इन क्वेश्चंस को फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर सी है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव टू एग्जांपल्स। आप क्या समझे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी कोई दो मिसालें दीजिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को यानी एक बहुत जो है वो मास्टर तरीके से हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और चलाता है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये कंट्रोल करता है सिग्नल्स को जो हमारे सीपीयू से आ रहे होते हैं कंप्यूटर के अलग अलग जगहों पर,
चाहे वो विंडोज के लिए आ रहे हो, चाहे वो गूगल के लिए आ रहे हो, सीपीयू से जो भी सिग्नल्स आते हैं उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। जैसे एंड्रॉयड, विंडोज, ये सब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनमें ज्यादातर विंडोज इस्तेमाल होते हैं, और मोबाइल होते हैं उनके अंदर ज्यादातर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आइडेंटिफाई अ फ्यू इंस्टेंसेस वेयर एलसीडी प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड। आपने बताना है कि कौन सी वो जगहें हैं जहाँ पर ज्यादातर एलसीडी प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एलसीडी प्रोजेक्टर्स इज कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेज। ये भी हमने पीछे पढ़ा भी था कि एलसीडी प्रोजेक्टर्स का जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन देने के लिए मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेज के अंदर। तो आपने यहाँ तक काम करना है, इसको रीड आउट करना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद आपने अपना जो ये असाइनमेंट है वो सबमिट करना है सैटरडे 21 अगस्त 2021 को स्कूल में आकर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।